जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है तो क्या होगी वो बातें या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से जनरल रीडिंग है। इस ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये 7। शुरुआत करते हैं हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। Unfolded fear, experiencing the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation. Sleepless night, refocus your thoughts. रात पर इनको नींद नहीं आ रही, काफी ज्यादा चैन और सुकून गायब है इनका। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको, यानी कि जब भी शायद आपके बारे में जिक्र होता है ये यही कह रहे हैं आजकल मुझे नींद भी नहीं आती, ना ही चैन मिल पा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं काफी ज्यादा मिस करने लगा हूँ उसको, यानी कि आई वॉन्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ एज सुन एज पॉसिबल। एक अधूरा सापन, एक अकेलापन बहुत ज्यादा फील करने लगे हैं आपके पर्सन और यही वजह है उनकी बेचैनी की। अगर रात को इंसान ठीक से सोएगा नहीं तो उसको सुबह उठने के बाद भी अगले दिन में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी हालत हो रही इनकी, इनको दिन का भी चैन नहीं मिल रहा है, ना ही रातों को सुकून मिल रहा है, जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट से सो भी नहीं पा रहे क्योंकि इतने ज्यादा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। और इसीलिए ये जब भी जिक्र करते हैं यही बताते हैं कि वो आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जेनरस, प्रैक्टिकल, ग्रेशियस, मटेरियलिस्टिक, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, अ लव ऑफ फैमिली एंड होम, बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड, अ लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, अ सेंसिबल अप्रोच। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरती से अपने घर का, अपने फैमिली का, सभी प्रैक्टिकल बातों का भी, मतलब सोच समझ के खर्चा वगैरह करने वाले भी आप पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको नहीं लगता कि फ्यूचर में भी ये आपके साथ जब जुड़ेंगे एज अ हस्बैंड तो भी इनको फिक्र करने की जरूरत है कि आप कैसे पैसे चला खर्च करेंगी या घर कैसे मैनेज करेगी। तो वो काफी ज्यादा श्योर है कि आप बहुत अच्छी हाउस वाइफ या फिर करियर ओरिएंटेड भी पर्सन है तो भी आप सब अच्छे से मैनेज कर पाएंगी, अपनी फैमिली के साथ साथ इनकी फैमिली को भी हैंडल कर पाएंगी, सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आप ले लेंगी, इतनी सारी खूबियां आपके अंदर है। और साथ ही साथ आप थोड़े से इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी इन्हें टक्कर देने की जैसी बातें हैं आपके अंदर, मतलब काफी ज्यादा मैनेजिंग स्किल्स हैं आपके अंदर। फ्यूचर को लेके भी शायद काफी ज्यादा इन्हें ऐसा लगता है कि आपके फैसलों के ऊपर अगर इन्होंने काम किया कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या यहाँ पे सेविंग करनी चाहिए, इस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो भी उन्हें लगता है कि उन्हें शायद फ्यूचर को लेके भी कुछ आपके आइडियाज अगर वो सुने तो भी इनका बेनिफिट ही हो सकता है। इस तरह का प्रैक्टिकल माइंड भी शायद आपका हो सकता है, जिसकी वजह से आपके साथ इनको एक ग्रोथ दिखाई देती है, मतलब फ्यूचर भी काफी ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं आपके साथ कि ऐसा कोई सोच समझ के सूझबूझ रखने वाला पर्सन मेरी जिंदगी में है जो मुझे ढेर सारा प्यार भी देता है, देगा, मेरी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखेगा, साथ ही साथ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ भी उसका ध्यान होगा और सब
मतलब घर को भी और करियर को भी मैनेज करके इस पर्सन की भी लाइफ आप अच्छे से संभाल सकती हैं या सकते हैं, इस तरह की बातें वो डिस्कस करते हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस, मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर। दिस इज नॉट द टाइम टू एक्शन, डेवलप योर इंट्यूशंस गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। तो जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमें पता चल रहा है कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, काफी ज्यादा आपकी तरफ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बढ़ना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाना ये उनकी दिली चाहत है। मतलब उनका सोल लेवल पे आपके साथ एक कनेक्शन वो फील करते हैं एज अ सोलमेट, लेकिन काफी वक्त से शायद एक्शन नहीं ले पा रहे। मतलब जो भी प्लान ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे ये एक्शन लेनी चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तब एंड वक्त पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि काफी वक्त से वो सही वक्त नहीं आ रहा इनकी जिंदगी में कि ये आपको सीधी अप्रोच करे या फिर आपके साथ शादी के बाद तक ये बात चले। तो ऐसे प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, फिर भी शायद ये कुछ मेडिटेट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ढेर सारी कैंडल्स लगी हुई है जो रिप्रेजेंट करती है कि शायद इनको नींद नहीं आती, तो थोड़ा सा मेडिटेट वगैरह करके खुद को रिलैक्स करने की भी कोशिश करते हैं। और जैसे यहाँ पे खिड़की से भी चांद दिखाई दे रहा है, तो ये भी पता चल रहा है कि यूनिवर्स को साइन देते रहते हैं कि इनको जिंदगी में क्या चाहिए। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड, टू मेनी ऑप्शंस एडिक्शंस। तो ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, वो चॉइस ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे रिवर्स कार्ड में यही बता रहा है कि उनको क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही है कि आखिर करे तो क्या करे। जैसे कई सारी ख्वाहिशें हैं उनकी, एक एक कप एक एक ख्वाहिशों को लेके भरा हुआ है, लेकिन ये कप अगर उल्टा है तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक आप उनकी जिंदगी में नहीं आती, तब तक इनकी जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। एडिक्शन इन द सेंस कि शायद कुछ लोगों ने थोड़ा सा, अगर मेल पर्सन वगैरह है तो ड्रिंक्स वगैरह भी लेना काफी ज्यादा शुरू किया था कि कुछ प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिले, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि इस तरह से करने से तो कोई बात बनने वाली है नहीं, वो तो टेम्पररी बेस्ड सोल्यूशन रहता है। एडिक्शन का असर उतरते ही नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू होती है, फिर से प्रॉब्लम भी शुरू होते हैं, तो उस तरह का शायद अब इस एडिक्शन से तो निकल आए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ तो उनके सामने ऐसे ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है कि आपकी तरफ सीधे से क्लियरली बढ़ पाए। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। मतलब शायद जब भी आपके बारे में डिस्कशन होता है, ये यही पूछते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी की खुशियां मुझे कब मिलने वाली है, पता नहीं कब मेरे सपने पूरे होंगे, इस तरह की बातें वो सोचते हैं, और उन्हें पता है कि ये सब सपने आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे से दूर है, तो ये सेपरेशन उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ दे रहा है उसके बारे में शायद ये डिस्कस करते रहते हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे दोनों ही आए हैं, क्वीन भी आई है और किंग भी आए हैं, तो इसका मतलब ये आपको अपना बेटर हाफ तो मानते ही है। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कंपैशनेट, accomplished, charismatic, grounded, a time of great success, financial security and prosperity, the Midas touch, everything turning out beautifully, a supportive parent and spouse, a good person to work for. ये कार्ड रिवर्स आया है, तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी मर्जी के मुताबिक वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। यहाँ पे शायद जैसे इस कार्ड में हमने नोटिस किया कि हो सकता है उनके पेरेंट्स का या उनकी फैमिली का उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है ये ऐसी पिक्चर में नहीं आ पा रहा, ये रिवर्स कार्ड आया है। मतलब स्ट्रेट कार्ड में सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स का भी और स्पाउस का भी, और वो पर्सन अच्छे डिसीजन ले पाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये रिवर्स कार्ड आया है तो ड्यू टू फैमिली घर वालों की दिक्कत है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने घर के ही प्रॉब्लम्स की वजह से ये जिंदगी की काफी सारी मुसीबतों के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि अगर अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो भी उन्हें पता है कि फैमिली के साथ है, भले ही घर में सब लोग इनके साथ है, लेकिन ये इनके दिल का जो ये अकेलापन है वो आपके
लिए ये काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, और जब तक आप उनकी ज़िंदगी में एंटर नहीं करेंगी या नहीं करेंगे, तब तक ये अकेलापन वो ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे जो उन्हें तकलीफ दे रहा है। फिर हैं सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। स्टैंड अप फॉर योर एंड योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर, बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा कि वो कोई प्रॉपर एक्शन ले पाए। मतलब आगे बढ़ना तो चाहते, आपके साथ एक जिंदगी भी जीना चाहते, लेकिन जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ क्लैरिटी उन्हें ठीक से नहीं मिल रही है, और शायद इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो मेडिटेट भी कर रहे हैं स्लीपलेस नाइट से, जो कि उनकी डिस्टर्ब एनर्जी को भी बता रहे हैं। लेकिन जो एक्शन लेना चाहते हैं उस एक्शन के लिए ये खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। मतलब बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन दिक्कतों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते नहीं कि 10 प्रॉब्लम शायद सामने खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका आगे बढ़ने का जो प्लान होता है वो और भी डिले हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है, मतलब कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा लूज करते रहते कि पता नहीं होगा कि नहीं, मतलब क्या पता कब होने वाला है इस तरह का, और खुद की ही बिलीव्स के ऊपर वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। मतलब उन्हें पता है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है, फिर भी जब इतना सब कुछ इर्द गिर्द निगेटिव है तो कोई कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए खुद को एनकरेज करेगा, इस तरह की बातों में वो उलझे रहते हैं। फिर है सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन एंड हाई टेंडेड सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपॉर्चुनिटीज फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ आर स्ट्रॉन्ग, बट इफ सिंगल बीवेयर ऑफ टेम्पटेशन दैट कुड लीड और ट्रबल। तो जैसा कि यहाँ पे ये सेक्सुअलिटी का कार्ड बता रहा है, उन्हें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली फील तो होता रहता है, जो इस कार्ड में हमने देखा कि जिस वजह से वो रात भर सो नहीं पाते, लेकिन उन्हें दिन ब दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पैशन है, ये जो आपकी तरफ उनका जो अट्रैक्शन लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और ये लीड कर रहा है मैरिज की तरफ, यानी कि वो सच में चाहते हैं आपसे शादी करना, और उन्हें ये भी यकीन है कि आपके साथ उनकी एक अच्छी फैमिली लाइफ भी रहेगी। जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में वो आपको समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से जो दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी वजह से इस सेक्सुअलिटी को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना आपके सामने ना घर वालों को बता पा रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए असलियत में जज्बात क्या है। नेक्स्ट है रोमांस, लव इज सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन। तो उन्हें पता है कि आपके साथ उनका एक बहुत अच्छा रोमांटिक कनेक्शन है, यानी कि आपका ख्याल ही उन्हें शायद इतना ज्यादा रोमांस फील करवा देता है कि वो उन्हीं ख्यालों में रात बेरात जागते रहते हैं, और यही कनेक्शन वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये सच में आपके लिए काफी ज्यादा रोमांटिक फील करते हैं। लक, अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी आपसे ये कनेक्ट होते हैं उनकी जिंदगी में एक लक फैक्टर आ जाता है, मतलब शायद जब से आप मिले हैं तब से इनकी जिंदगी में अच्छी अच्छी बातें होती चली आई हैं, इसलिए ये उस लक को, यानी कि आपसे प्यार तो करते ही है लेकिन साथ ही साथ उस लक को अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो लक फैक्टर इनकी जिंदगी से जुड़ जाए, यानी कि आप, और उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ सकती है इसके बारे में भी वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से सब मैनेज करना है, क्या क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। तो जैसे विजडम की बात है, उन्हें एक अच्छा फ्यूचर तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बुजुर्ग लोगों के, मतलब अपने घर में जो ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, उनके सलाह मशवरे की ज़रूरत है, उनकी मर्जी के बिना ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी शायद सिचुएशन है। और कई बार शायद ऐसा होता आया है कि अब तक की इनके जिंदगी के जो जो बड़े फैसले हैं वो हो सकता है इनके घर वालों ने ही किए हैं, या फिर इन्होंने खुद अपने घर वालों की मर्जी से ही वो सब फैसले किए हैं, और अब ये जो जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इन घर वालों के डिसीजन मेकिंग की काफी ज्यादा एक नींव बंधी हुई है, मतलब वो हाँ कहेंगे तो ये इजीली बातें आगे बढ़ पाएंगी, इस तरह का कुछ माहौल है जिसकी वजह से ये
इस तरह से सोच में डूबे हुए हैं कि करे तो क्या करे। नेक्स्ट है कमिटमेंट। अ कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। तो उन्हें ऐसा लगता है कमिटमेंट देने के लिए तो वो रेडी है, यानी कि बस घर वालों का एक ग्रीन सिग्नल मिलने का इशारा काफी है ताकि ये जिंदगी में आपकी तरफ बढ़ जाए। शायद हो सकता है ये अपने घर वालों को भी यही बताना चाहते कि अगर मैं किसी को कमिटमेंट दूंगा तो सिर्फ यही होगा या यही होगी। तो ये कितने सीरियस है आपके बारे में, ये भी शायद वो अपने घर वालों को बताना चाहते हैं। लेकिन जिसके साथ भी ये आपके बारे में डिस्कशन करते हैं उन्हें जरूर ये बताते हैं कि हाँ वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। नेक्स्ट है साइंस। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स विल सून डिसअपीयर। तो जैसे उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो थोड़े उन्हें साइंस मिल रहे हैं कि जो राइट नाउ वो प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं, कि जो भी मुश्किलें आ रही हैं जिसकी वजह से भी इस कमिटमेंट में डिलेज हो रहे हैं या फिर आपको सीधे सीधे शादी के लिए पूछने में कुछ डिले हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो जो डाउट है, वो जो दुविधाएं हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। ये उनके इंट्यूशंस वगैरह हो सकते हैं। और फाइनल कार्ड है मैनिफेस्टेशन। अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि इतनी सारी कैंडल्स है, इसका मतलब ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि बहुत अच्छा वक्त आपकी राह देख रहा है, आपकी विशेष बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आपके आंखों के सामने वो सपना पूरा होते हुए आप बहुत जल्द देखेंगे, इस तरह का ये कार्ड अफर्मेशन मतलब मीनिंग बता रहा है। तो शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन पे बिलीव कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सच्चे दिल से जब कोई ऊपर वाले से दुआ करता है तो ऊपर वाले को भी हमारी तरफ देखना पड़ता है और हमारी छोटी छोटी विशेष जो है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा ही शायद ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं, उन्हें कुछ साइंस मिल रहे हैं। तो ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।